चलो और कोई जुगाड़ से आज्ञा लेके बगीचे चलना है। और की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार और विकास प्रहार यूट्यूब चैनल माखी जनता झंडा। हेलो और हाँ साथियों, आप लोग हमारे मंच पे देख रहे हैं, ये बच्चा किसी भाई का खो गया है और जिस इंसान का बच्चा हो ये मंच पर से आकर के ले जा सकता है। कम से कम अपने बच्चे को दुखार किया ही करे। शाम से बच्चा बहुत ज्यादा मन पे आ रहे हैं शाम से, लेकिन हृदय तुझे मालूम होना चाहिए कि तो मेरे गलती संधान है। आज चार तरह मैं तुम्हें देखता ही हूँ, मेरे दिल को शांति नहीं मिलती है। पिताजी मैं आपके लिए इसीलिए आई हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। Thank you.
करने जाना चाहती हो नहीं? तू मेरी खिलौती संतान है और तेरी हर खुशियां बनाए रखना कि मेरा कर्तव्य है। लेकिन सबू मेरी बेटी रीता के साथ तू भी बगीचा जाएगा और शाम के 4 बजने रीता को लेकर राजमहल में आना होगा। हाँ चलो छोड़ने लगे आ जाइए जल्दी आ जाइए 4 बजे तक। देख तेरे कहने पे मैंने बगीचे के लिए आज्ञा मांग ली। आइए बता हमारे मर रहे ये चल बगीचे इसलिए आ गया हूँ। ये बता बगीचे में कौन कौन सी चीजें देखने की मिलेंगी? बगीचा में देखो वो देखो खड़ा है वो सामने हाल ला देख रहे कह मुंह के आई पर तुम चढ़ाओ और चढ़ के मत बैठो सर्द नीचे आ जाइयो। हैं ये पूदर फांदे वाला है। हैं आओ आओ हुआ 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 तमाम ही चीजें हैं जानवर तमाम है। भगभगा ये भगभगा क्या नील गड़ाओ? अरे नील गड़ा अच्छा समझ गई। इसके 4 पांव होते नील का 4 पांव होते। अच्छा और कौन कौन सी जानवर जानवर हुआ फुन्ने हुआ खोथरी है। अरे तेरी लगता है मुझे जुबान लगती है खोतरी नहीं लोखरी 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 हाँ। ये जो फोन में कह रहा है ये यदि सांप है मैं नहीं जाऊंगा मुझे डर लगता है। का काटक थोड़ो है और वहाँ चकोतरा है। चकोतरा ये कौन सी चीज है? संता भाई चकोतरा बाबा काल देखो गंगा नहाए गए रहे वह देखो पीछे बैठ है। हाँ वह पीछे बैठ है तुम ते बता रहे हुआ हुआ नहाए सोचो चलो चकोतरा ले ले आए भैया यहाँ ड्रामा हो रहा है घरे पहुँचे है नहीं वो देखो बाबा तू थोड़ी चकोतरा ले बैठ है बाबा इनका चकोतरा दिखा दे। देखियो मुझे डर लगता है तेरे लगी भाई कहीं चकोतरन तेरे 2.5 किलो का बांधे बांधे हैं। अच्छा चल चल बगीचे चल वो बदली से निकला है चार बदली से अरे अरे जब शादी करे तब ही दादा बताओ ना क्या बताई हमका लागत या भाग गई कौने से अब ही तेरे कान पिराई काने में पर्दे मारा रहा तू लभेड़ी तू लभेड़ो बहुत पालती है
जहाँ देखो तहाँ लंबर दरवा क्यों हो रहा है नया वक्र शुद्ध गाना सुना नी का गाना सुना हम जब तक हम दूसर पिया न हो पाई दिल मजबूर इतना ये वादा किया मैं तेरी हो गई तुम्हारी मतलब हाँ यार इससे बात खड़खड़ी हो जा अच्छा तुम हमारे लिए गा रही तो सुनो यार वादा किया अरे मैं तेरी से हमारा प्यार हो गया और एक खुशखबरी जा करके अपनी रीता को सुनाना चाहिए और जब रीता ने खुशखबरी सुनेगी कि हमारा सूरज स्पेशल हो गया तो खुश हो जाएगी बोलो ये आ गए हमारे मनोज ठेकेदार लकड़ी कटाने वाले इनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार है और इनका कहना है संभव से कि भैया देखभाल अच्छी तरह से कीजिएगा अपनी रीता से चलना चाहिए और रीता को खुशखबरी सुनाना चाहिए रीता तुम याद ना आया करो याद आने से पहले जाया करो तुम याद ना आया करो तो मैंने एक सूरज के नाम से प्यार किया था और मेरी याद भी नहीं करता है मेरी ख्याल भी नहीं करता है अगर वो मुझे मिल गया तो आज मैं उससे बात कभी नहीं करूंगी मुझे चलना चाहिए लड़की को मैं पहचान रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ ये हमारी रीता है
लेकिन ये मुझे नहीं पहचान पा रहे। रीता इस तरह से मुझे क्यों देख रही है? इस तरीके से मैं तुम्हें क्यों देख रही हूँ? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ कि आप हो कौन। अरे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है आप सूरज तो नहीं हो। मैं ऐसा ही रहा था कि हमारी प्यारी रीता हमें वर्दी में पहचान नहीं पाएगी, मैं वही तुम्हारा सूरज। खुशखबरी हम आपको सुनाने के लिए बेकरार था। खुशखबरी ला करके अपनी प्यारी रीता से सुनाऊंगा कि तुम्हारा सूरज इस पर से हो गया। वाह, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। मैं तो भगवान से यही दुआ मनाती हूँ कि मेरा सूरज और भी इससे ज्यादा आगे बढ़े। कसम से दीपा, आज तक तुम्हारा सूरज तुम्हारे प्यार को और तुम्हें भूल नहीं पाया, क्योंकि आप दीपा सूरज को भूल जाओ। क्यों मैं किसी लिए भूल जाऊं? ऐसी कौन सी बात है कि मैं अपने सूरज को भूल जाऊं? रीता इतना सुनकर तो घबरा गई कि मैंने वो सच कहा है कि रीता इस सूरज को भूल जाओ। देखिए हम एक सरकारी नौकर हो गए और हमें कंचन नगर थाने की ड्यूटी मिल गई और तुम घबरा गई। डर लग रहा है कि तुम्हारा सूरज तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूल पाए और वादा करता है सूरज तुम्हें ही फिर की रानी बनाएगा और मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। आरिता आज के बाद आप किसी की तरफ नजर उठा कर देखो। सूरज रीता के अंदर ये नहीं है, रीता ऐसी है कि दिल देती है तो एक ही को देती है। मेरा दिल ऐसा वैसा नहीं कि किसी दूसरे पे फिसल जाए। ओ मुझे तुम पीछे पीछे पाओगे। अरे बाबू हर बच्ची के बल में Thank you.
के सोच पाए इसलिए तुम्हें कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई तुम लोग जरा सी तसल्ली करो, तो प्यार का सूरज सरकारी नौकर हो गया है, अभी शादी थी तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है। अभी क्या तुम्हारी उम्र है? ये शादी करने तू 16 वर्ष की, अभी क्या नौकर है? तू 16 वर्ष की, मैं 18 वर्ष का। ऐसा लगता है इनका पागल हो रही है। तू 16 वर्ष की, मैं 18 वर्ष का, एक तो गला